अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। इसमें हम ये देखेंगे कि सरफेस टेंशन लगता ही क्यों है, लिक्विड के पास ये प्रॉपर्टी क्यों होती है कि लिक्विड अपनी सरफेस को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, क्यों लिक्विड की सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, क्यों लिक्विड का सरफेस एरिया अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, क्यों लिक्विड चाहता है कि उसका कम से कम सरफेस एरिया हो। ठीक है, तो इसको आपको ढंग से समझना है। मान लिया एक कंटेनर है, और उसमें लिक्विड मान लिया इस लेवल तक भरा हुआ। इसमें हम ये भी देखेंगे कि सरफेस मतलब कितना, कितनी थिकनेस को हम सरफेस बोलते हैं। पहली लेयर होती है उसको सरफेस बोलते हैं या कुछ लेयर का सम सरफेस होता है, सारी चीजें देखेंगे हम। ठीक, ये लिक्विड इस तरह से भरा हुआ है, इसमें इसको आपको ढंग से समझना है। ठीक है, मॉलिकुलर एक्सप्लेनेशन है, मॉलिकुलर थ्योरी है सरफेस टेंशन की। ठीक, तो अगर दो मॉलिक्यूल हम कंसीडर कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूल तो है सरफेस पे, मान लिया ये मॉलिक्यूल है ए, ये है सरफेस पे, और दूसरा मॉलिक्यूल है बी, ये है बल्क के अंदर। बल्क वो मॉलिक्यूल, उसको हम बोलेंगे एट द सरफेस, और ये जब बेल इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर पूरी तरह से अच्छे से होता है, तो उसको हम कहते हैं बल्क। तो ये लिक्विड है, ये मॉलिक्यूल है बी। ठीक, तो हर मॉलिक्यूल अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स पे कोहेसिव फोर्स लगाता है। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है नेचर में, तो हर मॉलिक्यूल अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल पे कोहेसिव फोर्स लगाता है। तो अपने आसपास वाले पे लगाता है, बहुत दूर वालों पे नहीं लगा पाता है। ठीक है, तो उसकी एक रेंज होती है, उसकी एक मिनिमम डिस्टेंस होती है जहाँ तक वो कुछ मेजरेबल अट्रैक्शन एग्जर्ट कर पाता है अदर मॉलिक्यूल्स पे। इसका नाम होता है मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म इसमें जो आया वो आया मॉलिक्यूलर रेंज। मॉलिक्यूलर रेंज क्या चीज़ होती है? फर्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर रेंज, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए मॉलिक्यूल कैन एग्जर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन। इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच ए मॉलिक्यूल कैन एग्जर्ट सम मेजरेबल अट्रैक्शन ऑन द अदर मॉलिक्यूल्स। और इसके जो ऑर्डर होता है वो 10^-9 मीटर होता है। किस ऑर्डर की होती है मॉलिक्यूलर रेंज? 10^-9 मीटर की। इसका जो ऑर्डर है 10^-9 मीटर का इसका ऑर्डर होता है। तो ये अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाता है, इस ये पूरे आसपास वाले, और कितनी डिस्टेंस तक? 10^-9 मीटर तक। क्लियर? ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर रेंज। तो अगर हम देखें तो ये जो फोर्स लगा रहा होगा अपने सिर्फ आसपास वाले मॉलिक्यूल्स पे लगा रहा होगा, यानी इस स्फीयर के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब पर फोर्स लगा रहा होगा। इस स्फीयर की जो रेडियस होगी वो मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होगी। इसकी जो रेडियस होगी वो किसके बराबर होगी? मॉलिक्यूलर रेंज के बराबर होगी। आर किस ऑर्डर की होगी? 10^-9 मीटर के ऑर्डर की होगी। इस स्फीयर के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब उसकी मॉलिक्यूलर रेंज के अंदर है, उन सब पर वो फोर्स लगा रहा होगा, या फिर वो सब इस पार्टिकल पे, इस मॉलिक्यूल बी पे फोर्स लगा रहे होंगे। ठीक, तो दूसरी जो डेफिनेशन आती है इसका नाम है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल के अराउंड मॉलिक्यूलर रेंज को रेडियस मान के अगर हम एक स्फीयर बना दें तो उस स्फीयर के प्रेजेंट सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पे वो सेंटर वाला मॉलिक्यूल अट्रैक्शन का फोर्स लगा सकता है, लगाता है, सम मेजरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसका नाम क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। इस स्फीयर के अंदर प्रेजेंट जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब पे इस मॉलिक्यूल का इन्फ्लुएंस है, या इसने उन सब पे फोर्स लगाया है, या ऐसे कहो उन सब ने इस पे फोर्स लगाया है। ठीक, क्लियर? ठीक है, अब दूसरी बात समझनी है आपको। तो अगर बी मॉलिक्यूल पे अगर हम फोकस करें तो बी मॉलिक्यूल ने इन सब पे फोर्स लगाया होगा, या इन सब ने बी पे फोर्स लगाया होगा एक्शन रिएक्शन। वी मॉलिक्यूल पे नेट कोहेसिव फोर्स कितना होगा? जीरो। चारों तरफ जो है वो सिमेट्री है, चारों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं, सिमेट्रिक सिचुएशन है एकदम, तो नेट फोर्स इस पे कितना होगा? जीरो। तो बी मॉलिक्यूल पे नेट कोहेसिव फोर्स है जीरो। वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। क्लियर? बी पे नेट फोर्स जीरो है, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, उस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है।
अब जरा इसी तरह से ए मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो ए मॉलिक्यूल में इसी तरह से हम मॉलिक्यूलर रेंज, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस सब कुछ बनेगा, बट ए के लिए जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनेगा वो आधा बनेगा, पूरा नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं उसके लिए, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मॉलिक्यूल्स जो हैं लिक्विड के, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिर्फ क्या हैं, नीचे हैं, क्योंकि ए कहाँ लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है। तो आप सोच के आराम से मुझे बताना कि अगर ए सरफेस पे लाई कर रहा है तो उस पर जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना वो आधा ही बना, यानी इस पे जो कोहेसिव फोर्सेज लग रहे होंगे वो सिर्फ नीचे की तरफ लग रहे होंगे, इस तरह से चारों तरफ तो लगेंगे नहीं। तो क्या ए पे नेट फोर्स जीरो होगा? नेट कोहेसिव फोर्स क्या ए पे जीरो होगा? ए पे नेट कोहेसिव फोर्स जीरो नहीं होगा, ए पे जो नेट फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ये होगा नेट फोर्स, और वो जीरो नहीं है, कोहेसिव फोर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक। बाकी उसका वेट, नॉर्मल रिएक्शन, एफ अब बहुत कुछ होगा, लेकिन हम सिर्फ कोहेसिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो नेट फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन नेट फोर्स कहाँ है? अंदर की तरफ है, यानी ए जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है वो बल्क में अंदर घुसना चाहता है, ए जो मॉलिक्यूल सरफेस पे प्रेजेंट है वो बल्क में अंदर घुसना चाहता है, ठीक है। नेट फोर्स जीरो नहीं है, इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं है, और ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम नहीं है। अगर हम बात करें ए की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम नहीं है, उस मिनिमम से कुछ एक्स्ट्रा है, और जो एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है ए की, वही है ए की सरफेस एनर्जी। जो एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है ए की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है, इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं है, उस पर नेट कोहेसिव फोर्स जीरो नहीं है, बी पे वो सब कुछ था, तो ए के पास कुछ एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और उसका नाम क्या है? सरफेस एनर्जी। और ए पे नेट फोर्स लग रहा है बल्क के अंदर की तरफ, यानी ए कहाँ घुसना चाहता है? बल्क में अंदर की तरफ घुसना चाहता है, क्लियर। अब आप ढंग से समझना, हम इसको फोर्स से भी समझ सकते हैं, इसको एनर्जी से भी समझ सकते हैं। अगर हम फोर्स से समझें तो बी पे नेट फोर्स जीरो है, तो बी जहाँ पे है खुश है, उसको कहीं जाने की कोई टेंडेंसी नहीं है, उस पर नेट फोर्स जीरो है, ठीक। लेकिन ए पे नेट फोर्स अंदर की तरफ है, तो ए कहाँ घुसना चाहता है? अंदर की तरफ घुसना चाहता है, यानी सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब अंदर की तरफ घुसना चाहते हैं, बल्क का हिस्सा होना चाहते हैं, सरफेस पे कोई नहीं रहना चाहता। क्यों? क्योंकि सरफेस पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं है। तो होगा क्या, इसीलिए हर लिक्विड की जो सरफेस है उस पर सरफेस पे मॉलिक्यूल्स रहना ही नहीं चाहते, सबके सब कहाँ घुसना चाहते हैं? अंदर, बल्क में घुसना चाहते हैं। इसलिए इस लिक्विड की सरफेस अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि सरफेस पे कोई मॉलिक्यूल रहना ही नहीं चाहता है। इसलिए सरफेस क्या कोशिश करती है? अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। इसलिए स्मॉल ड्रॉपलेट अगर आप लिखोगे तो वो स्फेरिकल शेप हो जाती है, और यहीं से सरफेस टेंशन जनरेट होता है, ठीक है। तो ये तो हुआ फोर्स का एक्सप्लेनेशन। अगर आप एनर्जी का एक्सप्लेनेशन देखोगे कि एनर्जी से कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो हर सिस्टम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। अब आपने देखा जो मॉलिक्यूल्स बल्क में हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है कंपेरेटिव टू जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं, लेकिन हर सिस्टम क्या चाहता है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम से मिनिमम हो, ताकि वो और ज़्यादा स्टेबल हो, और ज़्यादा स्टेबल हो। तो वो ये चाहेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम से मिनिमम हो, तो इसका मतलब जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी लिए वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको कम से कम करने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह सरफेस बिहेव करेगी, सरफेस अपना एरिया कम से कम करने की कोशिश करेगी, मॉलिक्यूल सरफेस पर कम से कम रहने की कोशिश करेंगे, और इससे क्या आती है? सरफेस एनर्जी। इसी से क्या आता है? सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी, अगर कोई पूछेगा सरफेस एनर्जी क्या चीज़ है, यहीं से डेफिनेशन बनती है सरफेस एनर्जी की। तो जो सरफेस एनर्जी है वो कंसेप्चुअली सरफेस पे प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स की एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है, किसके कंपैरेटिवली? उन मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली जो कि बल्क में प्रेजेंट है। तो सरफेस एनर्जी क्या है? वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको एनर्जी से भी समझ में आना चाहिए कि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा है तो हर सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, तो हर सिस्टम ये चाहता है उसका सरफेस एरिया मिनिमम से मिनिमम हो, तो सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, और इसी से सरफेस टेंशन आता है। अगर आप फोर्स से देख रहे हो तो सरफेस से प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स पे जो नेट कोहेसिव फोर्स लग रहा है वो अंदर की तरफ लग रहा है, यानी वो मॉलिक्यूल्स भी ये चाहते हैं बल्क का हिस्सा बनना, सरफेस पे कोई रहना ही नहीं चाहता, फ्रंट पे कोई रहना ही नहीं चाहता, बाउंड्री पे कोई रहना ही नहीं चाहता, ठीक है। इसीलिए क्या जनरेट हुआ? सरफेस टेंशन, क्लियर, ठीक। अब दूसरी बात समझो, मैथमेटिकली सरफेस टेंशन का जो फोर्स आया वो कैसे आया, तो देखना जरा। ए मॉलिक्यूल पे अगर आप देखो, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ए मॉलिक्यूल पे देखो, तो ए मॉलिक्यूल पे ये जो फोर्सेस लग रहे हैं,
इनका जो रिजल्टेंट नेट कोहेसिव फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो लग रहा है नीचे की तरफ, वो जीरो नहीं है डेफिनेटली क्योंकि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो मॉलिक्यूल्स सरफेस में अंदर आना चाहता है लेकिन घुस नहीं पाता। क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल के नीचे वाले मॉलिक्यूल से इस पे क्या लग रहा होगा? नॉर्मल रिएक्शन। बाकी इस मॉलिक्यूल का एम जी भी लग रहा होगा, एफ एफ भी लग रहा होगा, लेकिन वर्टिकल में नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। अब ये बाकी फोर्सेज जब हमने कंसिडर किए तब जीरो हुआ है, वैसे जीरो नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरी बात समझना, ये जो कंपोनेंट्स हैं कोहेसिव फोर्सेस के, इनके हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी तो होंगे। हाँ, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट होंगे। जैसे वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ था, जीरो नहीं हो पाया, लेकिन हॉरिजेंटल कंपोनेंट भी इस तरह से होंगे, एक इधर एक इधर। तो उसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या फील करेगा? ये खिंचाव फील करेगा। सरफेस पर प्रेजेंट मॉलिक्यूल सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में एक खिंचाव महसूस करेगा। मान लीजिए सरफेस है, ये मॉलिक्यूल है, तो उस पर एक सरफेस टेंशन की कोहेसिव फोर्सेस का रिजल्टेंट जब हमने निकाला तो एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है, कंपोनेंट्स। हाँ, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या फील करेगा? इलोंगेशनल स्ट्रेस फील करेगा, जिसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो सरफेस के अलोंग जो फोर्स लग रहा है, इसीलिए हमने सरफेस टेंशन की डेफिनेशन में एक साइड का फोर्स पर यूनिट लेंथ लिया, एक साइड का फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो ही हो जाना है, फोर्स तो दोनों साइड लगता है। तो एक साइड का जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है वही क्या होता है? सरफेस टेंशन। और ये सरफेस में जितने भी प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या फील करते हैं? एक इलोंगेशन फील करते हैं, क्लियर। तो ये सरफेस टेंशन को जनरेट करता है। सरफेस एनर्जी आपको समझ में आई? सरफेस से प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स के पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है इन कंपैरिजन टू मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द बल्क, और वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी जो है वही सरफेस एनर्जी होती है, क्लियर। तो अब आप हेडिंग डाल के लिखो सरफेस एनर्जी। उसमें आराम से लिख लेना, आपको कंसेप्ट तो पूरा डिस्कस हो ही चुका है। एवरी लिक्विड वॉन्ट टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। दस इफ द एरिया ऑफ फ्री सरफेस हैज टू बी इंक्रीज्ड, सम वर्क विल हैव टू बी डन। दिस वर्क विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। सिचुएशन समझ लो, क्या किसकी बात कर रहे हैं हम? मैं कह रहे हैं, मान लिया एक यू शेप का बैंड वायर है और उस पर एक स्लाइडर रखा हुआ है। स्लाइडर मतलब जो कि इस वैंड वायर पे स्लाइड कर सके, और इसको मैंने सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाल लिया, तो इस पे क्या एक क्रिएट हो जाएगी? एक सरफेस क्रिएट हो जाएगी, ठीक। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं स्लाइडर वाले वायर को बाहर की तरफ खींचूंगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो अगर कोई पूछे इसको बाहर खींचने में कितना वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क करना पड़ा, तो जितना एक्स्ट्रा सरफेस एरिया बढ़ गया है उसकी वजह से जो एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी बढ़ी है वो वर्क डन होगा। तो वर्क डन जो होगा वो होगा क्या, वो समझना आपको। पहले इतनी सारी सरफेस थी, फिर इतनी सरफेस हो गई, यानी हुआ क्या होगा, बल्क में से मॉलिक्यूल निकल के सरफेस पे आए होंगे। जैसे आराम से आप समझो, जैसे मान लीजिए कंटेनर है और कंटेनर में ये लिक्विड भरा हुआ है, तो ये इसकी सरफेस है। अब मैंने क्या किया, कंटेनर की वॉल्स को दूर कर दिया, ऐसे कर दिया कंटेनर की वॉल्स को, तो अब जो लिक्विड है वो इस तरह से हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, इस तरह से लिक्विड ले लेगा। कंटेनर्स की वॉल्स को दूर हटा दिया, मान लिया मूवेबल वॉल्स हैं कंटेनर की। अब आप समझो ये एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हुई ना, ये एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हुई, ये एक्स्ट्रा सरफेस क्रिएट हुई। तो एक्स्ट्रा जो सरफेस क्रिएट हुई है वो इसलिए नहीं हुई है कि ये जो मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी सरफेस थे वो खिंच गए, नहीं, जो बल्क में थे मॉलिक्यूल वो निकल निकल के सरफेस पे आए। जो बल्क में मॉलिक्यूल्स थे वो निकल निकल के कहाँ आए हैं? सरफेस पे आए हैं। अब इसको आराम से समझना आपको। तो सरफेस पे जब वो आए हैं, जब वो बल्क में थे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम थी, और जब वो सरफेस पे आए अब उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम से कुछ एक्स्ट्रा हो गई है, उसी को हम क्या कहते हैं? सरफेस एनर्जी। कुछ एक्स्ट्रा हो गई है पोटेंशियल एनर्जी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कितना वर्क किया, ग्रेविटी फ्री रीजन है अगर मान लिया, तो पूछा जा रहा है कितना वर्क किया। तो जो वर्क किया होगा वो होगा इज इक्वल टू द एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी या एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स
क्रिएटिंग न्यू सरफेस एरिया, या आप ऐसा कह सकते हो द वर्क डन विल स्टोर इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंक्रीज सरफेस एरिया। क्लियर? ठीक है, तो सरफेस एनर्जी अगर आप चाहो तो डिफाइन भी कर सकते हैं उसको हम। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, मैथमेटिकल मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन फॉर्मिंग ए लिक्विड सरफेस ऑफ ए गिवन एरिया एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन इन फॉर्मिंग द लिक्विड सरफेस ऑफ ए गिवन एरिया एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? तो जो सरफेस एनर्जी है वो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट वर्क डन है नया सरफेस एरिया क्रिएट करने के लिए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो उसको आपको अब जरा ढंग से समझना कि एक सिंगल लेयर है अगर लिक्विड की तो उसमें कितनी सरफेस होंगी, तो उसमें दो सरफेस होंगी। मान लिया सिंगल लेयर है लिक्विड की, पतली सी लेयर है ये मान लिया, तो इसमें कितनी सरफेस होंगी, इसमें दो सरफेस होंगी। सिंगल लेयर है लिक्विड की, एक सरफेस ऊपर होगी और एक सरफेस नीचे होगी, और पूरा जो रीजन होगा बीच का जो पूरा रीजन होगा उसका नाम क्या होगा, बल्क। अच्छा, कितनी थिकनेस को हम सरफेस कहते हैं, कितनी थिकनेस को हम सरफेस कहते हैं, तो वो समझो आप जरा ढंग से। एक मॉलिकुलर रेंज के बराबर थिकनेस को हम सरफेस कहते हैं, इतनी थिकनेस, ये जो थिकनेस है इस थिकनेस को हम सरफेस बोलेंगे। सरफेस कब कब से बल्क शुरू होता है, बल्क तब शुरू होगा कि जब जो भी मॉलिक्यूल है बल्क में उसके अबाउट स्फीयर जो बने वो आपका कंप्लीट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बने। अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीट बन रहा है तो उस पर नेट कोहेसिव फोर्स जीरो है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो हम बोलेंगे कि वो मॉलिक्यूल बल्क का हिस्सा है। और इसके ऊपर अगर कोई भी मॉलिक्यूल होगा, मान लें यहाँ एक मॉलिक्यूल है, तो अगर हम इसके बारे में देखें तो ये बल्क का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका स्फीयर पूरा नहीं हो पाया, थोड़ा स्फीयर रह गया इसका। तो बल्क हम तब बोलना शुरू करते हैं जब जहाँ से स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीट हो जाता है, और उस जब तक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो बल्क का हिस्सा नहीं है, तब तक क्या वो सरफेस। तो सरफेस मतलब क्या चीज, सरफेस मतलब अपर लेयर ऑफ थिकनेस, कितनी थिकनेस, 10^-9 मीटर, मॉलिकुलर रेंज के बराबर थिकनेस की लेयर को हम कहते हैं सरफेस। ऑन एन एवरेज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो, या एटम्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका जो डायमीटर होता है, साइज होता है, वो ऑन एन एवरेज 10^-10 मीटर के ऑर्डर का होता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसका मतलब लगभग टॉप 10 लेयर्स जो होंगी, 10, 8, 9, 7, 5 जो भी, मतलब लगभग जो टॉप 10 लेयर्स होंगी वो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं सरफेस। क्लियर? अब सरफेस एनर्जी पे वापस आते हैं, मैं फिर से बनाता हूँ। तो मैं अभी ये बात हो रही थी कि जो सरफेस है, जो एक लेयर है, अगर सिंगल लेयर हम लें लिक्विड की, तो उसमें कितनी सरफेस होती है, उसमें दो सरफेस होती हैं, एक ऊपर सरफेस होती है, एक नीचे सरफेस होती है। जब हम इसको खींचेंगे तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा वो एक ऊपर की तरफ से लगेगा और एक नीचे की तरफ से लगेगा, दो दो सरफेस टेंशन के फोर्स लगेंगे। सिचुएशन ये थी, फिर से बना लेते हैं उसको, कि एक यू शेप का एक वेंड वायर है और उसके ऊपर एक स्लाइडर रखा हुआ है। यू शेप का वेंड वायर है, उसके ऊपर क्या रखा है, एक स्लाइडर रखा हुआ है। अब आप क्या कर रहे हो, इस स्लाइडर को भार खींचने की कोशिश कर रहे हो, नई सरफेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आपको पता लग सके कि सरफेस एनर्जी कितनी होती है। आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ठीक, तो अंदर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से इंटरनल फोर्स लग रहा होगा। सरफेस टेंशन को आपको कैसे समझना है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह समझना है। तो वो चारों तरफ अंदर की तरफ एक फोर्स लगा रही होगी सरफेस, ऐसे मानो कि एक रबर की शीट है, उसको आपने स्ट्रेच करके उस फ्रेम में फंसा दिया है। तो वो जो रबर की शीट है वो चारों तरफ अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है, ये है फोर्स ऑन द फ्रेम, फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो हमें तो सिर्फ इस स्लाइडर पे फोकस करना है, स्लाइडर पे कितना फोर्स लगा होगा। तो अगर स्लाइडर की लेंथ एल है, तो मैंने आपको बताया एक लेयर के पास दो सरफेस होती हैं, तो एक तो टी एल फोर्स ऊपर की तरफ से लगा होगा, एक टी एल फोर्स नीचे की तरफ से लगा होगा, तो टोटल फोर्स होगा 2 टी एल,
टोटल फोर्स कितना होगा टू टी एल। अब अगर इस स्लाइडर को हम डेल्टा एक्स खींच रहे हैं तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, स्लोली खींच रहे हैं, वेरे आराम से खींच रहे हैं, ठीक है, स्मूथ स्लाइडर है, कहीं कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और वेरी स्लोली अगर आप खींच रहे हो तो एक्सटर्नल एजेंट का फोर्स कम से कम कितना होना चाहिए, टू टी एल इंटू डेल्टा एक्स। तो ये जो आ रहा वर्क डन, ये वर्क डन किस में जाके स्टोर होगा, ये होगा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी में स्टोर। जितना वर्क कर रहे हो वो सारा का सारा किस में स्टोर हो जाएगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी में। ये हुआ कितना, ये हुआ टी इंटू टू एल एक्स, टू एल डेल्टा एक्स। अब आप बताओ ये क्या चीज़ है, स्लाइडर की नई लोकेशन ये है। तो ये जो सरफेस एरिया बढ़ गया ये कितना होगा, तो ये एरिया होगा एल इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन सरफेस मैंने अभी आपको बताया एक ऊपर भी होती है एक नीचे भी होती है, तो टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया अगर कोई पूछेगा तो टू टाइम्स डेल्टा एक्स, टू टाइम्स एल इंटू डेल्टा एक्स। तो ये जो है ये है डेल्टा ए, टोटल इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो आपका आ रहा है सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एनर्जी का अगर कोई फॉर्मूला पूछेगा तो वो हो जाएगी सरफेस टेंशन इंटू टोटल एरिया। इसीलिए सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी की डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन थी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के फोर्स के अगेंस्ट लिक्विड सरफेस को क्रिएट करने में, लिक्विड सरफेस को इलोंगेट करने में, स्ट्रेच करने में जो वर्क करना पड़ रहा है वही किस फॉर्मेट में जाके स्टोर हो रहा है, सरफेस एनर्जी की फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, ठीक है, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो जरूरी है। क्लियर? तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आया सरफेस एनर्जी का, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। अगर कहीं एरिया कम या ज्यादा हो रहा है तो सरफेस एनर्जी या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज और डिक्रीज इन एरिया। क्लियर? इस पर क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो आपको समझना है। जैसे मान लिया क्वेश्चन ये रहेगा कि एक ड्रॉप थी जिसकी रेडियस थी कैपिटल आर, और उसको आपने एन स्मॉलर ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया आइडेंटिकल, एन एन ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया एन ड्रॉप्स, और सबका रेडियस कितना है, स्मॉल आर, ठीक है। एक लार्ज ड्रॉप थी उसको एन ड्रॉप्स में ब्रेक कर दिया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, आइसोथर्मल प्रोसेस है, और आपसे पूछना है इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया होगा। तो जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क किया होगा तो आप पहले खुद से देख सोच के बताओ, क्या इसमें सरफेस एरिया बड़ा होगा, क्या इसमें एक्सपोज एरिया बड़ा होगा, सरफेस एरिया बड़ा होगा, तो हाँ जी बिल्कुल बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कंसेप्ट क्या लगेगा। कंसेप्ट ये है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, इसलिए क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा है तो सरफेस एनर्जी बड़ी होगी, और इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी जो होती है वो होती है सरफेस टेंशन इंटू इंक्रीज इन एरिया। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको इंक्रीज इन एरिया फाइंड करना है। तो फाइनल एरिया कितना होगा, तो एक ड्रॉप का एरिया होगा 4πr² और ऐसे कितने ड्रॉप्स हैं n, ये फाइनल एरिया होगा सिस्टम का। माइनस इनिशियल एरिया कितना होगा, तो इनिशियल एरिया होगा बड़ी वाली ड्रॉप का एरिया। तो ये होगा वर्क डन। अब हमें स्मॉल r और कैपिटल r में रिलेशन निकालना, वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे वॉल्यूम कंजर्वेशन से। सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल वॉल्यूम, तो यहाँ लिखते हैं उसको। सिस्टम का इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, तो वो हो जाएगा 4/3πr³, और फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तो वो हो जाएगा n टाइम्स 4/3πr³। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो स्मॉल r, कैपिटल r जो आ रहा है वो आ रहा है n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। अब आप कैपिटल r स्मॉल r की जगह वैल्यू पुट कर दो स्मॉल r की जगह यहाँ पे, और आपको कैपिटल r के टर्म्स में, सरफेस टेंशन के टर्म्स में, n के टर्म्स में आपको वर्क डन मिल जाएगा आपको। क्लियर?